आइए दोस्तों सुनते हैं पाप और पुण्य की यह सुंदर कहानी। किसी आश्रम में एक साधु रहता था। आश्रम में रहते हुए उस साधु को काफी वर्ष बीत चुके थे। धीरे धीरे साधु की वृद्धावस्था आ गई और अब साधु को यह महसूस होने लगा कि उसकी मृत्यु का समय नजदीक आ रहा था। ऐसे में साधु विचार करने लगा, मैंने 30 सालों से दिन रात प्रभु का सिमरन किया है। प्रभु सिमरन के लिए तो मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को भी त्याग दिया है, इसलिए मेरे खाते में तो ढेरों पुण्य जमा है और उन पुण्यों के कारण मृत्यु के पश्चात मुझे मोक्ष मिलना तो बिल्कुल पक्का है। इस प्रकार वह साधु विचार करता रहता। एक रात जब साधु गहरी नींद में सो रहा था तो उसे स्वप्न में एक स्त्री दिखाई दी। स्त्री का चेहरा कुछ धुंधला धुंधला सा था। स्त्री साधु से बोली, हे साधु महाराज, तुम अपना एक दिन का पुण्य मुझे दे दो और मेरा एक दिन का पाप तुम ले लो। इतना कहकर वह स्त्री गायब हो गई। यह स्वप्न देखकर साधु बेचैन हो उठा। इतने वर्ष तक तो कोई स्त्री मेरे स्वप्न में नहीं आई और जब मेरा अंत नजदीक है तो स्वप्न में स्त्री दिख रही है। परंतु शीघ्र ही साधु ने उस स्वप्न का विचार त्याग दिया और प्रभु सिमरन में फिर से बैठ गया। 3-4 दिन के बाद फिर से वह स्त्री साधु के स्वप्न में आई और बोली, अपने एक दिन का पुण्य मुझे दे दो और मेरा एक दिन का पाप तुम ले लो। इस बार साधु ने उस स्त्री को पहचानने की बहुत कोशिश की, लेकिन स्त्री का चेहरा बहुत धुंधला था, सो साधु से पहचाना नहीं गया। अब तो साधु चिंतित हो उठा। एक दिन का पुण्य लेकर भला ये स्त्री करेगी क्या? हो न हो, यह स्त्री जरूर किसी कष्ट में है। साधु चिंतित हो उठा। उसने अपने गुरु को स्वप्न की सारी बात सच सच बता दी। गुरु ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे पुण्य ही तुम्हारी असली कमाई है, इसलिए भूल कर भी अपने पुण्य किसी को मत देना। अरे, इतने मुश्किल से तो पुण्यों की कमाई होती है, अगर यह भी किसी और को दे दो तो मोक्ष तो दया समझो। साधु ने गुरु की आज्ञा का पालन किया, अपना सर झटका और फिर से प्रभु सिमरन में बैठ गया। कुछ ही दिनों के पश्चात वही स्त्री फिर से स्वप्न में आई और बोली, तुम्हारा गुरु अपूर्ण है, उसे तो ज्ञान ही नहीं है। तुम तो वो माया छोड़ने का दम भरते हो। बीवी बच्चे दुनिया छोड़कर तुम इस अभिमान में हो कि तुम मोह माया छोड़ चुके हो, परंतु सच तो यह है कि तुम और तुम्हारा गुरु मोह माया को जोरों से पकड़े बैठे हो। किसी जरूरतमंद की मदद भी नहीं कर सकते तुम। यह स्वप्न देखकर साधु बहुत बेचैन हो गया और गुरु के पास गया। गुरु को स्वप्न की बात बताई। गुरु ने फिर साधु को डांटा, गुरु पर संदेह करवाकर वह तुम्हें पाप में धकेल रही है, जरूर कोई बुरी आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ गई है। साधु ने गुरु से क्षमा मांगी और फिर से प्रभु सिमरन करने लगा। और फिर वही स्त्री स्वप्न में आई और कहने लगी, इतने साल अध्यात्म में रहकर तुम गुरु के गुलाम बन गए हो, गुरु के सीमित ज्ञान में उलझ कर रह गए हो। मैं फिर से कहती हूँ, मुझे एक दिन का पुण्य दे दो और मेरा एक दिन का पाप तुम ले लो। मुझे किसी को मोक्ष दिलवाना है। अब तो साधु आत्मगलनी से भर उठा। गुरु कहते हैं अपना पुण्य किसी को मत दो और धर्म कहता है कि किसी जरूरतमंद की मदद करो। गुरु कोई मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे और स्त्री किसी को मोक्ष दिलवाना चाहती है, करूं तो क्या करूं? तभी साधु को एक उपाय सूझा। जब कोई राह ना दिखे तो प्रभु से तार जोड़ो। अब प्रभु से ही पूछ लिया जाए कि आखिर सही क्या है। फिर क्या था, साधु ने ईश्वर से पूछा, हे प्रभु, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। और तभी अचानक बादल जोर से गरजे और एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने पूछा, पहले तो यह बताओ कि तुम कौन से पुण्य पर इतना इतरा रहे हो? मैंने 30 साल तक प्रभु सिमरन किया है, 30 साल से भिक्षा पर जीवित हूँ, त्याग को ही मैंने अपना जीवन माना है, पत्नी बच्चों तक को त्याग दिया, साधु बोला। अब आकाशवाणी ने कहा, तुमने 30 बरस तक कोई उपयोगी काम नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की, दूसरों का कमाया और बनाया हुआ ही खाते रहे, कभी किसी को फूटी कौड़ी दान भी नहीं दी, कभी किसी की सेवा नहीं की, तुम्हारे खाते में तो एक भी पुण्य नहीं है। यह सुनकर साधु सदमे में आ गया, लेकिन हिम्मत करके उसने ईश्वर से पूछा, एक भी पुण्य नहीं कमाया मैंने, फिर वह स्त्री मुझसे पुण्य क्यों मांग रही है?
आकाशवाणी ने कहा, क्या तुम जानते हो वह स्त्री कौन है? नहीं जानता, लेकिन जानना चाहता हूँ, साधु हैरानी से बोला। आकाशवाणी ने कहा, अरे मूर्ख, वह तुम्हारी पत्नी है, वही पत्नी जिसे तुम पाप का संसार कहकर इतनी बड़ी दुनिया में अकेला छोड़कर आ गए थे। कुछ पता भी है वह आजकल किस हाल में है? साधु की आंखें फटने लगी। नहीं प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, आकाशवाणी ने कहा। सुनो, जब तुम उसे अकेला छोड़कर यहाँ आ गए थे तो वह तुम्हारे इंतजार में कई दिनों तक रोती रही, फिर बच्चों की भूख ने उसे तुम्हारी जुदाई का गम पोंछ डालने के लिए विवश कर दिया। उसने आंसू पोंछ दिए और नौकरी के लिए जगह जगह भटकने लगी। जब कई दिनों तक उसे कोई काम न मिला तो उसने एक पुष्ट आश्रम में नौकरी कर ली। वह हर रोज खुद को बीमारी से बचाती हुई पुष्ट आश्रम में जाती और उन कौड़ियों की जी जान से सेवा करती जिन्हें उनके घर वाले कुष्ठ आश्रम में छोड़ गए थे। उन कौड़ियों की सेवा करते करते अब वह खुद भी कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गई है, लेकिन उसकी महानता तो देखो, वह खुद को पापिन कहती है क्योंकि उसका पति पुण्य कमाने के लिए उसे छोड़कर चला गया था। और अब उसे तुम्हारी चिंता है क्योंकि उसे ये आभास हो चुका है कि उसका पति शीघ्र ही मरने वाला है, और अब वो यही दुआ कर रही है कि मृत्यु के पश्चात तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, जिस मोक्ष को पाने के लिए तुमने घर त्याग दिया था। और तुम्हें मोक्ष दिलवाने के लिए उसने ईश्वर से प्रार्थना की। तब मैंने ही उसे कहा कि तुम अपना एक दिन का पुण्य उसे दे दो। तब वह बोली, प्रभु मैंने तो कभी कोई पूजा पाठ ही नहीं की, तो मेरे खाते में पुण्य कहाँ से आएंगे? वह सीधी सादी औरत यह समझती है कि पूजा पाठ से ही पुण्य मिलते हैं, बल्कि पुण्य तो अपना कर्म करने, दूसरों की मदद करने और उनकी सेवा करने से मिलते हैं। और तुम्हारी पत्नी ने दूसरों की सेवा करके बहुत पुण्य कमाए हैं। तब मैंने ही उसे सुझाव दिया कि कहीं एक साधु है, तुम उस साधु को अपना एक दिन का पाप दे दो और उस साधु से एक दिन के पुण्य मांग लो। इस प्रकार मेरे ही कहने पर वह स्त्री तुम्हारे पास स्वप्न में आ रही थी। अरे मूर्ख, तुम्हारी पत्नी तो अपना पुण्य तुम्हें दे रही थी और तुम ना जाने कौन से हिसाब किताब में पड़ गए। अरे तुम तो साधु भी ठीक से नहीं बन पाए, तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारी पत्नी और बच्चे किस हाल में होंगे। परंतु तुम्हारी पत्नी जिसे कुष्ठ रोग हो चुका है, जो खुद मरने वाली है, परंतु ऐसी हालत में भी वो अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए मोक्ष मांग रही है, और तुम केवल अपने ही मोक्ष के लिए 30 बरस से हिसाब किताब में पड़े हो। अब तुम ही बताओ, पुण्य किसने कमाए, तुमने या फिर तुम्हारी पत्नी ने? आकाशवाणी की बातें सुनकर साधु के बदन पर पसीने की बूंदें बहने लगी, सांस तेज होने लगी। उसने ऊंची आवाज में चीख लगाई, यशोदा, और उसी समय हड़बड़ाते हुए वहां से भागने लगा। गुरु ने पूछा, अरे मूर्ख, कहां जा रहा है? तेरे सभी पुण्य नष्ट हो जाएंगे। परंतु साधु ने गुरु की बात को अनसुना कर दिया। उसके कदम वापस अपने घर की ओर चल पड़े। आज वह जल्द से जल्द अपनी पत्नी और बच्चों के पास पहुंचना चाहता था, क्योंकि आज वह यह जान चुका था कि सबसे बड़ा पुण्य तो दूसरों की सेवा करने में है, दूसरों के लिए त्याग करने में है, ना कि अपनों का त्याग करके प्रभु सिमरन में। अर्थात नर सेवा ही नारायण की सेवा है और यही सबसे बड़ा पुण्य है। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।